हेलो, मैं विद्या बालन और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कुछ खास ओला फीमेल ड्राइवर पार्टनर्स से मिलने वाली हूँ। पहले तो खुशी इस बात की है कि ओला में इतने सारे फीमेल ड्राइवर पार्टनर्स हैं और ऑपरेटर्स भी हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले तो जब लड़कियां या औरतें गाड़ी चलाती हैं तो सब कहते हैं कि अच्छा लेडी ड्राइवर है ना, इसलिए ठोक दिया। या उस माहौल में इतनी औरतें आगे आई हैं और वो ड्राइवर्स बनी हैं या फिर ऑपरेटर्स बनी हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो फीमेल पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, यू फील अ सर्टेन सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पर मैं जानती हूँ कि एक औरत को कितना कुछ संभालना पड़ता है। बाहर आके काम तो कर लेती है पर घर को भी संभालना पड़ता है। तो आई रियली सल्यूट योर स्पिरिट, मोर पावर टू यू। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में, सालों में और भी ज़्यादा फीमेल ऑपरेटर्स और ड्राइवर पार्टनर्स होंगे ओला में, ताकि यू नो हम सब के लिए अपनी खुद की आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। और आप सब मार्गदर्शन कर रही हैं दूसरी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ये कितनी अच्छी बात है। हम सब एकजुट होके हमसे जितना बन पड़ता है अगर करें तो फिर दुनिया में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो बस आगे बढ़ते रहिए। और मैं सिर्फ फीमेल ड्राइवर्स को नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे मेल ड्राइवर्स भी हैं ओला के। हम यही चाहते हैं कि आप भी, जो लड़कियां महिलाएं हैं आपके इर्द गिर्द, उनको आप इनकरेज करें ओला से जुड़ने के लिए, ओला के साथ पार्टनर करने के लिए। और बस ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, एक सुरक्षित दुनिया की ओर हम इस तरह बढ़ पाएंगे, ये मेरा मानना है। गुड लक एंड गॉड ब्लेस। सम ऑफ देम आर, टू ऑफ देम ड्राइव द ऑटो, टू ऑफ देम ड्राइव कार्स, टैक्सीज, सो इट्स फैंटास्टिक। And thank you, I'm very glad to know you like the trailer. Sulu is someone who I think represents the modern Indian woman who wants to explore the world. Usme ek chaah hai ki wo duniya ko, matlab duniya ghume, duniya ko jaane, that she wants to discover herself through that. Aur isiliye wo grahini hai. Initially she's a housewife who then gets herself a job as a late night RJ. And it is that journey of self-discovery that Tumhari Sulu is all about. But she's the most happy-go-lucky, spirited woman character I have played. And I'm very glad to be meeting four equally spirited women this afternoon. Right, so a very interesting thought there, Vidya. Like you said, हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए जी, स्पेशली इन द डे एंड एज, आज के समाज में इंडियन वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल द भारतीय महिला आउट देयर अबाउट आत्मनिर्भरता एंड जस्ट बीइंग कॉन्फिडेंट इनाफ टू टेक ऑन द वर्ल्ड? हाँ, आई थिंक अगर आपने ठाना कि आपको कुछ करना है तो सिर्फ यही याद रखिए कि मैं कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये कौन सी यू नो, और उसके मुकाबले तो कुछ भी बड़ा नहीं होता। आई थिंक आप में वो हर औरत में, हर इंसान में अलग गुण होते हैं। आप उससे परिचित कीजिए अपने आप को पहले, अपने गुणों से, और फिर उसके हिसाब से कुछ करने का, अपने लिए करने का ठानिए। आई थिंक उसी से हम अपना अस्तित्व बना पाते हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन। और आज की दुनिया में तो जब तक दो लोग काम नहीं करते तब तक घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये भी ज़रूरी है कि दो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो दो लोग अंदर भी काम करें। तो आपके हस्बैंड्स को या फैमिलीज़ को आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने जो अभी डायलॉग बोला, वी हैव आल्सो सीन इट थ्रू आउट द ट्रेलर, द डायलॉग वाज मैं कर लेगा, मैं कर सकती है, मैं कर सकती है। अरे वाह, इस बात पे ताली हो जाए। और अभी ओला ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि अभी जो पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी
उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ओला में अभी मैं खुद डिपेंड हूँ, मैं मतलब अपने खुद के पैर पे खड़ी रहती हूँ जी, और जो जो खुद करने में मजा है वो दूसरों की नौकरी करने में मजा नहीं है. करेक्ट. इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया और अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं. पर आपके पति को ये डर नहीं लगा कि आप जब रिक्शा चला रही होंगी तो रात के, आप रात के वक्त भी चलाती हैं? जी हाँ. तो उनको डर नहीं लगता कि क्या आप सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, वो सब उनको लगा कि आप? उन्होंने उस तरह से मुझे ट्रेंड किया है. क्या बात है, मैं बहुत अच्छी बात रात है. को भी गाड़ी चला सकूं, डे में भी चला सकूं, उस तरह से मुझे उन्होंने मतलब डे नाइट में कर सकूं, ऐसा मुझे उन्होंने ट्रेन किया है. और मुझे जानना है कि पहली बार जब आप रिक्शा चलाने लगी तो जो आदमी मर्द रिक्शा वाले हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ कहा कि अरे क्या तुम रिक्शा चलाओगी, ऐसे कभी किसी ने कहा आपसे? हाँ, कुछ जब मैं नई शुरुआत किया था तब कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी कि भाई लेडीज़ कब तक टिक पाएगी इसमें, कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी, ऐसा बहुत सारा मुझे मतलब ऐसा बहुत सारे सवाल हो गए खड़े. जब मैं शुरू में ड्राइविंग करती थी तो कुछ रिक्शा वाले मतलब उनको कुछ उत्सुकता भी लगती थी कि भाई ये कैसा चला रहे, ये एक्चुअली लेडीज़ ही है क्या, ये देखने के लिए वो सामने से गाड़ी लगा लेते थे, कुछ आगे आगे गाड़ी चलाते थे. फिर मेरे हस्बैंड ने उस पर सोल्यूशन निकाला, गाड़ी के पीछे रिक्शा ड्राइवर जो है वो महिला लेडी ड्राइवर रख दिया, तभी से ये सब कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया. क्या बात है, आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है? जी है ना. है, है. कहाँ है आप? सामने है. कहाँ? अरे नमस्ते, आपका नाम? रमाकांत जी, आप जैसे और मर्द होना तो ये दुनिया बहुत मतलब सही हो जाएगी हम सब के लिए. मोर पावर टू यू ऑल्सो कि आपने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि वो अपने दो पैरों पे खड़ी हो सकी खुद. ये बहुत बड़ी बात है. मेरे कहने मेरे उस इससे ज़्यादा वो खुद उस पर ये हो गई, चालू हो गई, मतलब उसको अच्छा लगने लगा कि मैं ड्राइविंग करता हूँ. मैं तो देखते देखते उसको भी मतलब नहीं, पर आपने साथ दिया ना, आपने उनको ये बढ़ावा दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है. नहीं मैडम, ऐसे सब लेडीज मतलब कैसा है, पहले से मैं देखता हूँ सब कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैं कुछ अलग करके. क्या बात पहले है, पहले कल्याण की मतलब लेडीज उनको मैं सिखाया, ऑटो निकाल के दिया, उनका लाइसेंस बैच वगैरह. क्या बात है, उनके साथ भी रहा, रात को भी वो 11-12 बजे तक कोई हॉस्पिटल का पेशेंट घर पे आता है तो निकल जाती है, कभी मैं बाहर रहता हूँ तो भी आ जाती है. वाह, कहीं भी लेकर जाती है. आपसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैडम. थैंक यू. मैं गाड़ी चलाती नहीं हूँ, चलाना जानती हूँ पर मैं बहुत हड़बड़ा जाती हूँ. आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता. पर अगली बार अगर मेरे ड्राइवर नहीं आए या मुझे कहीं जाना हो और मेरे हस्बैंड भी नहीं हो घर पे, तो मैं ओला ऐप ज़रूर यूज़ करके. और ओला ऑटो भी. ऑटो भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैडम आप हमारी ओला में कब ड्राइव करोगे? आप बोलो तो आज ड्राइव कर लेती हूँ मैं. चलिए मैडम आपको छोड़ देंगे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैडम आप कल्याण आएगी तो जरूर मेरे ओला ऑटो में बैठना. हाँ पक्का पक्का. तो मैं मानती हूँ कि आत्मविश्वास हो तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. उड़ान भरने में शायद ही थोड़ा वक्त लगे पर आपको हमेशा के लिए कोई नीचे खींच, तकदीर भी आपको नीचे नहीं रख सकता हमेशा के लिए. विद्या, जैसे आपने कहा कि नामुमकिन जैसा किसी के भी डिक्शनरी में वर्ड होना नहीं चाहिए, सुलू में आप एक ओला वुमेन ड्राइवर से मिलती हैं और उनसे आप इंस्पिरेशन लेती है, साहस लेती है और फिर अपने खुद के सफ़र पे निकलती हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा और सब महिलाओं को यहाँ थोड़ा क्या, सा क्या आपको पता है कि तुम्हारी सुलू में एक फीमेल ओला ड्राइवर है? हाँ. और तृप्ति हैं, तृप्ति खामकर एक्टर जिन्होंने ये रोल निभाया है, उनका उनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है. वैसे भी वो जगह जगह गाड़ी चला के जाती हैं और बहुत अच्छी एक्टर भी है, उन्होंने ये रोल निभाया. और ये जो है ओला ड्राइवर वो जानती है जब सुलू पहली बार काम के लिए बाहर निकलती है तो सुलू पे क्या बीत रही होगी, वो ये ओला ड्राइवर जानती है क्योंकि वो भी खुद इसी इन्हीं फीलिंग्स में से इसी जर्नी से गुजरी हुई है, गुजर चुकी है. और वो उसे साहस देती है अपने ही तरीके से कि यू नो सब पहले सबको थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर उसके बाद सब पूरी फैमिली समझ जाती है, सपोर्ट करते हैं.
तो आप टेंशन मत लेना उस तरह से. तो बहुत बहुत ही प्यारा किरदार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस किरदार को और हमारी फिल्म तुम्हारी सुलू को बहुत पसंद करेंगे. थैंक यू सो मच. देखने जाएंगे कल? कल ही देखेंगे. अरे वाह, थैंक यू. थैंक यू सो मच विद्या. थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका भी बहुत धन्यवाद. थैंक यू. हमारी ड्राइवर पार्टनर्स ने आपके लिए एक गिफ्ट रेडी किया है तो वो आपको देना चाहेंगे. जी.